साथियों, हमने आत्मनिर्भर भारत अभियान के दौरान जो ऐतिहासिक रिफॉर्म्स किए, उन्होंने देश में नई संभावनाओं के द्वार खोले हैं। आज कॉरपोरेट्स और स्टार्टअप्स जिस स्केल पर आगे आ रहे हैं वो अभूतपूर्व है। ऐसे में भारत की एस्पिरेशंस को मजबूत करने का, फंड करने का, उनमें इन्वेस्ट करने का इससे बेहतरीन समय क्या हो सकता है दोस्तों? भारत में, और ये बात हमारे बैंकिंग सेक्टर को भी समझना ही होगा, भारत में ये आइडियाज पर इन्वेस्टमेंट का दौर है। स्टार्टअप्स को सपोर्ट करने का दौर है। स्टार्टअप मूल में एक आइडिया होता है। आप उसको पूछने जाओगे एसेट क्या है फलाना, कुछ नहीं होता है, आइडिया होता है। साथियों, आपके पास रिसोर्स की कोई कमी नहीं है, आपके पास डेटा की कोई कमी नहीं है। आप जो रिफॉर्म चाहते थे वो सरकार ने किया भी है और आगे भी करती रहेगी। अब आपको राष्ट्रीय संकल्पों के साथ, राष्ट्रीय लक्ष्यों के साथ खुद को जोड़कर आगे चलना है। मुझे बताया गया है कि मंत्रालयों और बैंकों को एक साथ लाने के लिए, अभी हमारे सचिव महोदय भी उल्लेख कर रहे थे, वेब बेस्ड प्रोजेक्ट फंडिंग ट्रैकर बनाना तय हुआ है। अच्छी बात है, काफी सुविधा बढ़ेगी उसके कारण। लेकिन मेरा उसमें एक सुझाव है, यह प्रयास अच्छा है, लेकिन क्या यह बेहतर नहीं हो सकता है कि हम गति शक्ति पोर्टल में ही एक इंटरफेस के तौर पर इस नए इनिशिएटिव को जोड़ दें? आजादी के इस अमृत काल में भारत का बैंकिंग सेक्टर बिग थिंकिंग और इनोवेटिव अप्रोच के साथ आगे बढ़ेगा।